नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। विदेश और देश भर में फैल रहे कोरोना को लेकर हरियाणा से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। हरियाणा में भी 16 मरीज कोरोना से संक्रमित हैं। इसमें 14 मरीज ऐसे हैं जो विदेश से लौटे हैं। हरियाणा के सीएम सिटी में कोरोना से बचने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, क्या करनाल कोरोना से निपटने के लिए तैयार है, बस स्टैंड पर क्या हालात है, बाजारों में कोरोना का कितना असर है, करनाल के लघु सचिवालय में किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या लघु सचिवालय में लोगों की भीड़ घट रही है, प्रशासन किस तरह के इंतजाम कर रहा है, यह हर कोई जानना चाहता है। हमारे संवाददाता तरुण मदान कोरोना को लेकर आज करनाल की सड़कों पर उतरे। समाचार एक्सप्रेस की टीम ने कई स्थानों का दौरा किया, कई लोगों से बातचीत भी की। यह तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको हरियाणा की कोरोना स्थिति को लेकर नया अपडेट भी दे देते हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कोरोना वायरस के 2 संदिग्ध मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। अस्पताल प्रबंधक के अनुसार मरीजों के बारे में मिली जानकारी और उसमें वायरस के लक्षण देख स्वास्थ्य विभाग ने दोनों संदिग्धों को सरकारी अस्पताल आइसोलेशन वार्ड में दाखिल करवा दिया है। दोनों की रिपोर्ट आने के बाद मामले की पुष्टि होगी, क्योंकि चिकित्सकों ने दोनों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। दरअसल कुरुक्षेत्र निवासी एक व्यक्ति बिजनेस ट्रिप पर थाईलैंड गया था और 5 मार्च को कुरुक्षेत्र लौटा था। वापस लौटने पर उसे खांसी, जुकाम व बुखार की शिकायत हुई। पहले तो वह इसे सामान्य लेकर चल रहा था। लगातार खांसी जुकाम रहने से संदिग्ध LNGP अस्पताल पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने उसके थाईलैंड के दौरे के बारे में जानकर उसे आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर दिया। वहीं दूसरा संदिग्ध मामला पीपली निवासी एक महिला का है। कुछ दिन पहले महिला के घर न्यूजीलैंड से उसके रिश्तेदार आए थे। महिला को उसके बाद कई दिन तक बुखार रहा, उसने दवाई भी ली लेकिन आराम नहीं हुआ। महिला अब LNJP अस्पताल पहुंची तो चिकित्सकों ने उसे आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर दिया। दोनों संदिग्धों के ब्लड सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। जब तक इन सैंपल की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक दोनों को वार्ड में ही रखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के सिरसा जिले में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। मृतक युवक जिले के एक गाँव का निवासी है। स्वास्थ्य विभाग ने युवक की मौत का कारण सांस की तकलीफ होना बताया है, फिर भी एहतियातन के तौर पर इलाज के दौरान कोरोना वायरस और स्वाइन फ्लू के लिए सैंपल लिए गए, जो लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। सिरसा के नागरिक अस्पताल के डिप्टी CMO डॉक्टर वीरेश भूषण ने बताया कि मृतक युवक देर शाम नागरिक अस्पताल में गंभीर अवस्था में रेफर किया गया था, जिससे पहले मरीज को इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया गया था। उसके बाद खांसी बुखार की वजह से मरीज को आइसोलेशन वार्ड में दाखिल किया गया था। उन्होंने बताया कि युवक की मौत का कारण सांस की तकलीफ लेना है, फिर भी एहतियात बरतते हुए सैंपल लेकर जांच के लिए लैबोरेटरी भेज दिए गए हैं, उसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। उन्होंने बताया कि मृतक युवक के किसी भी विदेश जाने का इतिहास नहीं है। अब बात करते हैं हरियाणा के CM सिटी करनाल की। यह तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, यह CM सिटी करनाल की है। हमारी टीम आज सबसे पहले सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय पहुंची। आइए अब आपको ले चलते हैं हमारे संवाददाता तरुण मदान के पास, जो सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय की स्थिति से अवगत करवा रहे हैं। यहाँ उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर लोगों से क्या बातचीत की, आइए जानते हैं सबसे पहले। मैं तरुण मदान समाचार एक्सप्रेस से हूँ और इस समय हम मौजूद हैं सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में। आपको यहाँ बता दें कि पूरे देश में कोरोना वायरस को लेकर जहाँ महामारी का अंदेशा फैला दिया गया है और अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके हरियाणा सरकार के साथ साथ करनाल प्रशासन भी इसको लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयासरत है। इतना ही नहीं, हम आप कैमरामैन को दिखाना चाहेंगे कि वो देखेंगे कि हर जगह सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए, अगर आपको ऑफिस के अंदर जाना है तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसके लिए पर्याप्त तो मात्रा में सैनिटाइजर भी लगाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, ताकि कोई भी कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है तो पहले सैनिटाइजर अपने हाथों को साफ करें, उसके बाद। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा सैनिटाइजर क्यों लगाए जा रहे हैं? ये इसके लिए है जी, जो ये बीमारी चल रही है ना कोरोना, उसके लिए है जी, इसके लिए लगाए जा रहे हैं। जो भी आएगा बाहर से पहले अपने हाथ साफ करो, फिर आगे दूसरे से के साथ इस्तेमाल करो हाथों को भी। तो सर इसके अलावा मतलब आप लोगों को क्या संदेश भी देते आ रहे हैं कि अगर जाना है तो प्लीज लगा के जाइए, या इसके
ये हैं, इनको पढ़ के लोग जागरूक होंगे कि या लोगों को जागरूक करने के लिए कोई और चीज़ भी बता रहे हैं आप? बता भी रहे हैं जी, और इसके पढ़ के ये भी इसीलिए लगाया कि इसको भी यहाँ से पढ़ के और उसके बाद ही अपने हाथ साफ करके ऊपर जाए सभी। राइट सर, ये देखिए किस तरह से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर बकायदा पोस्टर लगाए गए हैं कि कृपया स्वस्थ रहने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और सैनिटाइजर भी लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक और शख्स जुड़ने जा रहे हैं। सर आपका शुभ नाम? रोहतास अग्रवाल। सर आप किस काम के लिए यहाँ पर आए? यहाँ सी जी में मीटिंग में जाना था मैंने गोरंडा जी, वो कैंसिल हो गई जी। किस वजह से कैंसिल हो गई? डायरेक्ट 144 लग गई जी गोरंडा में, करनाल में लग रही। तो सर ये अगर आप यहाँ पर आए तो क्या आपने सैनिटाइज का इस्तेमाल किया? हाँ इस्तेमाल किया अभी मैंने जी। देखिए हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, वो भी इसको लेकर अलर्ट हो रहा है। मिसेज मेरी ब्लॉक सदस्य 20 वार्ड से, वो भी अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। बकायदा प्रशासन के द्वारा जागरूक करने के बावजूद वो लगा रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, अपने आप को महफूज कर रहे हैं, दूसरों को महफूज कर रहे हैं। अब दिखाएंगे हम आपको कोई और दृश्य जहाँ पर ये हैं, ये हैं, ये रिसेप्शन पे आपके लोगों को संदेश देना चाहेंगे जी इस बीमारी से बचने के लिए? सर अभी तक मुझे तो कुछ नहीं दिया गया, अभी तक मेरे पास तो आए नहीं। ये जो आपके टेबल पे सैनिटाइजर पड़े हैं ये किसके लोगों के लिए होंगे और आप लोगों के लिए होंगे ना? लोगों के हमारे लिए। इस समय हम मौजूद हैं करनाल के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में। आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि हम कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से सरकार पूरे अलर्ट मोड पर है, प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है, इन्हीं ध्यान जो इन्होंने दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं, जो एडवाइजरी सरकार ने जारी कर रखी है, उस पर कितना अमल किया जा रहा है और लोग उसको कितना मान रहे हैं, भी कहीं ना कहीं उनके भले की बात की जा रही है, इसी जानकारी के लिए हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 12 में। आइए यहाँ पर दिखाते हैं आपको, कुछ ना कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने शरीर को लेकर, अपनी सेहत को लेकर जागरूक हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ठीक है ये करण की भूमि है, कुछ नहीं होगा। इससे पहले हमारे चीफ एडिटर रही चावला जी ने तहसीलदार साहब से बात की, जिन्होंने बताया कि वो 24/7 दिन में 1000 से 1500 लोगों की बात करते हैं, 1000 से 1500 लोगों से बात करते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, लेकिन जनसेवा ही उनका मकसद है। तो ये बात करते हैं एक मैम हमारे साथ हैं, इनसे जानकारी के लिए करते हैं। मैम आपका यूर बिट नेम? शोभा चौहान। मैम जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस समय कोरोना वायरस को लेकर आधा देश लगभग बंद सा हो गया है, हर तरफ अलर्ट मोड जारी है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो उसमें सबसे ज़्यादा तो मैं ये कहना चाहूँगी कि साफ सफाई, जैसे कि हमारा पहले हमें ये रखना चाहिए, तभी हम फिर हम डरेंगे ही नहीं, क्योंकि हम अगर साफ नहीं होंगे तो नेचुरली कोई भी बीमारी हमें पकड़ सकती है। तो जैसे मैं भी अपने साथ सैनिटाइज़र भी लिए हुए हूँ, और मैं थोड़ी थोड़ी 20-25 मिनट के बाद मैं हैंड वॉश करती हूँ। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि अपनी सफाई रखें, हाथों को साफ रखें, तो और हमारी गवर्नमेंट भी अपना उसके अपने अच्छे कदम उठा रही है, तो आप सब साफ रहिए और स्वस्थ रहिए, मेरी यही विशेष है। थैंक यू। देखिए जिस तरह से मैम ने हमें बताया कि वो सैनिटाइजर हमेशा अपने पास रखती हैं और साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, हर 20-25 मिनट के बाद वो अपने हैंड वॉश करती हैं, सैनिटाइज भी करती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा मैम कुछ पब्लिक के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? बस पब्लिक के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें डरना नहीं चाहिए, किसी भी आपदा से निपटने के लिए हम खुद ही सक्षम है। हम वो जैसे कि हमें बताया जा रहा है टीवी पर, कितनी बार हमारे को कहा जा रहा है कि हम साफ रहें, हमारे हाथों की सफाई रखिए, शरीर की सफाई रखिए, और जब आप खांसते हैं तो एक साइड में होकर खांसिए, थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। देखो ये तो हमें मानना पड़ेगा, तो मेरा ये संदेश है कि डरिए नहीं, अपनी स्वच्छता रखिए, तो निसंदेह हमारे को कोई भी बीमारी जो है नहीं लगेगी और कोरोना हमसे बहुत दूर चला जाएगा। मैम हम भी यही चाहते हैं कि कोरोना हमारे से बहुत दूर चला जाए। देखिए जिस तरह से मैडम ने बताया कि साफ़ सफाई बहुत आवश्यक है, ठीक है, अगर इनकी तरह सारे साफ़ सफाई रखेंगे तो वो कोरोना वायरस लगभग ख़त्म हो जाएगा और हिंदुस्तान में कोरोना रह ही रहेगा। तो कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, ठीक है, इनसे बात करते हैं। ये हमारे साथ एक सज्जन मौजूद हैं जो हरियाणा पुलिस से हैं। सर आपका निर्मल सिंह। सर आप हरियाणा पुलिस में? हाँ जी हाँ जी। सर आपका डेली लोगों से मिलना जुलना, मुलाजिमों से, सरकारी कर्मचारियों से मिलना जुलना रहता है, और कोरोना वायरस पूरे अलर्ट मोड पर है इस समय, मतलब वायरस फैल चुका है या फैल रहा है, लोगों में फोबिया है जिसे दूर करने के लिए प्रशासन अपने हिसाब से लोगों को दिशा निर्देश दे रहा है, जानकारी दे रहा है, तो इसके बारे में आपका कहना चाहिए? इसमें तो सिर्फ यही बात है, ये एहतियाती सब कुछ है, जो आप सावधानी बरतोगे, मेल जोल, हाथ, जैसे हम कहते हैं हाथ मत मिलाओ किसी से, थोड़ी दूरी रखो, बीमार व्यक्ति है, जैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम है मेरे को भी ध्यान में रखना चाहिए भाई मैं बाहर ना निकलूं, जैसे हल्की भी कोई प्रॉब्लम है उसमें भी अपना सावधानी रखूं, जो बुजुर्ग हैं बच्चे हैं वो तकरीबन अपने घरों में रहें, वरना काम तो चलने ही है जी, काम तो करने हैं, जैसे हमारे विभाग को है वो तो एक्टिव रहेगा ही रहेगा जी।
इसलिए एहतियात ही सबसे मेन हुआ है। तो इन साहब का कहना है कि एहतियात बहुत आवश्यक है, अगर संक्रमित व्यक्ति है तो उनसे दूर रहें, किसी के लक्षण हैं तो उनसे दूर रहें। एक और सज्जन हमारे साथ हैं, एक और सज्जन है हमारे से, उनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, आपका नाम? जगमाल सिंह भारद्वाज। सर आप कोरोना वायरस को लेकर कितना कुछ सतर्क हैं? देखो जी मेरी नाक की आवाज़ सुनो जी, ये नहीं, ये अभी भी सिंडा उंगल मार के मैं आपको दिखा सकता हूँ जी, पूरी पूरी उंगल भीग जाएगी सर, ये भीगी है। 10 दिन लगातार मैं दवाई खा रहा हूँ जी, ये ISI जो अस्पताल 13 टेंशन के अंदर है, क्योंकि मेरा लड़का एक मामूली सा कंपनी में लगा हुआ, उसकी तनख्वाह 8,000 रुपये है सर। मैं कल गया था जी नागरिक अस्पताल में, एक ही डॉक्टर साहब वहाँ बैठे थे, तो मैं कहा डॉक्टर साहब जी मेरी एक प्रार्थना तो सुनो, हाथ जोड़ कर एक बोलो बोलो, यही मेरी पट्टी बांधी हुई थी, ऐसे ये पट्टी बांधी थी जो 30 रुपये की मैंने ली थी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, जब उस डॉक्टर साहब जी ने नागरिक अस्पताल में मेरी बात नहीं सुनी, अस्कर जाइए जाइए दूर हटिए, पहले मैं दूर हट गया, तो एक ही डॉक्टर साहब बैठा था, वो कह जाइए जी, मैं फौरन ऊपर गया जी नागरिक अस्पताल की बिल्डिंग के ऊपर, ट्रामा सेंटर के ऊपर 3 डॉक्टर साहब बैठे थे, और डॉक्टर साहब कहने लगे आपको कोरोना वरोना तो कुछ है नहीं, लेकिन एक बात सुनो, ये टाइम हो गया 2:30 बजे का और आप सुबह सुबह आओ, तो मैं सुबह सुबह गया, तो ये पर्ची मेरे पास है नागरिक अस्पताल की। आप अब कहना क्या चाहते हैं? मेरा टेस्ट होना चाहिए जी, पूना जाना चाहिए मेरा टेस्ट, कहीं मुझे लकोरिया बीमारी या कुछ और कोरोना ना हो। देखिए ये सज्जन है, एक तरफ जहाँ प्रशासन दावे कर रहा है कि हमने आइसोलेशन वार्ड बना रखी है सरकारी अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड है, लेकिन इन सज्जन में कहीं ना कहीं रोष है सरकारी व्यवस्था को लेकर। इनका ये मानना है कि जब वो नागरिक अस्पताल पहुंचे तो वहाँ इनकी सुनवाई नहीं हुई, और ये चाहते हैं कि इनका प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए, ताकि इनको जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, शायद इनके मन में कहीं ना कहीं इनके मन में ये फोबिया है कि शायद ये इस बीमारी से ग्रस्त ना हो सकता है ये वहम भी हो, हम भी ये चाहेंगे कि ये वहम ही निकले, लेकिन प्रशासन से हम तब भी अपील करते हैं कि ऐसे सज्जनों की, ऐसे लोगों की जो कि सिविल हॉस्पिटल में जा रहे हैं या ESI में जा रहे हैं जाँच करवाने के लिए, उनकी प्रॉपर जाँच की जाए, क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी आसानी से फैलती है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो बहुत ध्यान दे रही जी, और जनता भी जागरूक है, ऐसी बात नहीं, पढ़ी लिखी है जी, हर आदमी ना ज्ञान है इस बात का कि भाई ये बीमारी है ना जो खतरनाक है, इसका अगर मड़ चिल्ला प्रवाही पड़ते थे तो ज़्यादा पड़ सकेगी, और डॉक्टर भी इसमें प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा। ये सज्जन प्रशासन की व्यवस्थाओं से बिल्कुल तो पूरी तरह से संतुष्ट है, इनका कहना है कि ये औरों को भी जागरूक करेंगे, खुद तो जागरूक है ही हैं, औरों को भी जागरूक करने का काम करेंगे। ठीक है। हाँ जी सरपंच हो जी, अक्सर सरपंच से ये गांव के लोगों को आप कैसे जागरूक करोगे? गांव के लोगों को मैं तो कोर्ट का मेंबर भी रहा जी, अली कल का सेवा करने का, समाज सेवा करूँगा, आप आज भी जागरूक करो जी, गाँव में मीटिंग कर कर का उनको समय समय पर चीज़ों की जानकारी देवा जी। ये हमारे साथ थे गढ़ी बीरबल के एक सरपंच, इनका ये मानना है और इनका ये कहना है कि ये अपने गांव में जाकर लोगों को जागरूक भी करेंगे, लोग स्वयं भी जागरूक हों, प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्थित है, प्रशासन व्यवस्था कर रहा है। आइए लेके चलते हैं कहीं और, किसी और से एक और सज्जन से बात करते हैं। सर आपका शुभ नाम? राजवीर नरवाल। नरवाल साहब ये कोरोना है जिस तरह से फोबिया क्रिएट किया जा रहा है, खराब कर दी इसने, सारा सिस्टम खराब कर दिया सर, इसमें एहतियात के तौर पर आप क्या बरत रहे हैं? सब कुछ बस हाथ उथ नहीं मिला रहे जी, अपना बचाव कर रहे। मतलब आपका कहना है कि दिल मिलाइए हाथ ना मिलाइए? बिल्कुल बिल्कुल। तो पोल्ट्री जो है उसका कैसा नुकसान हुआ सर? काफी नुकसान हुआ है उसका। तो किस तरह से? कोई खरीदने वाला नहीं चिकन, वो मुर्गा। अच्छा, उसका डर कहीं ना कहीं ये फैल गया है कि चिकन खाने से ये चीज बीमारी फैल सकती है, कुछ भी नहीं है उसमें कुछ नहीं है। हाँ सब इतना उबलता है उसमें, कहाँ रह जाएगा। इनका कहना है कि उस बीमारी के चलते जहां लोगों के अंदर वहम आ गया है कि शायद नॉन वेज खाने से कि ये बीमारी फैल सकती है, इसलिए पोल्ट्री व्यवसाय पूरी तरह से ध्वस्त होता नजर आ रहा है, बड़ा नुकसान हो गया इनको भी, दूसरे लोग और भी हैं। आइए एक और सज्जन है हमारे साथ, जानकारी हासिल करते हैं कि इनका कोरोना के बारे में क्या कहना है। किशन लाल जी मेरा नाम। सर कोरोना को लेकर आपका कहना? मेरा ये विचार है जी, अपने खान पान पर ध्यान रखें, अंडे मीट शराब मतलब ये जो सड़ा खाना ये ना खाएं, बड़े साफ सुथरी चीज़ खाएं, अच्छे इंसानों को संग करें, अच्छे विचार सुने,
मतलब ये बात है जी, अपने कंट्रोल करो खाने पाने का अपना। कहाँ से हैं सर आप? सुंगोई से जी। सर संघोई में आप क्या लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे, लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे? हाँ जी, जो बातें आपने हमें बताई हैं, हाँ जी ठीक है, बड़ी अच्छे विचार हैं आपके, हाँ तो आप लोगों से अपील करेंगे कि इन विचारों पर अमल करें। हाँ जी, हाँ जी करेंगे सर। इन वासुदेव गौतम, गौतम सर आपका कहना चाहेंगे हाँ जी इस बीमारी के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में, जिसको लेकर लगभग आधा देश ऐसा लग रहा है कि बंद हो चुका है, आर्थिक मंदी भी लगातार जा रही है, कई कपाट बंद हो चुके, कई मंदिर बंद हो चुके, पब्लिक ऑफिस भी बंद हो गए, हाँ जी कई जगह वर्क एट होम शुरू हो गया है, वर्कर भी कम कर दिए गए, छुट्टियों पे भेज दिए गए, ऑफिस बंद कर दिए गए, ठीक है जी आप वर्क घर बैठ के काम कीजिए, तो आपका क्या कहना? इसका तो ऐसा इसका उपचार करो, उपचार का मतलब है सुरक्षित रहो, इसकी कोई दवाई तो है नहीं, अभी दवाई है नहीं तो इसको मुँह आगे डको, दवाई लगाओ डको, मुँह आगे डको। इन सज्जन का कहना है कि एहतियात बरतिए और स्वस्थ रहिए, कोरोना है जरूर लेकिन अगर हम इसमें सजग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, साफ़ सुथरा रहेंगे और जो प्रशासन के द्वारा हमारे को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जो एडवाइजरी जारी की गई है उस पर अमल करें तो इस बीमारी को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। आपने सुना कि सचिवालय में मौजूद लोग क्या बातें कर रहे हैं, इस बारे में करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव लोगों को क्या समझाने में जुटे हैं, आइए वह भी आप जानें। वार्ड्स बनाए हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, हमारे सिविल हॉस्पिटल में, सीएचसी पीएचसी में, जिनकी क्षमता अभी कैपेसिटी 100 बेड्स की है, तो 100 बेडेड आइसोलेशन वार्ड हमने तैयार कर लिए हैं, यहाँ पे उन लोगों को भविष्य में रखा जाएगा जो कि इस वायरस के चपेट में आने की जिनकी संभावना है, जो इन फ्यूचर अगर इस तरह की कोई केसेस आते हैं तो उनको रखा जाएगा। साथ ही 1000 बेड की कैपेसिटी की क्वारंटाइन फैसिलिटी हम डेवलप कर रहे हैं, उस फैसिलिटी में उन लोगों को रखा जाएगा जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, उनके आसपास के जो लोग हैं जिनके उस इन्फेक्शन में आने की संभावना होगी उनको क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखेंगे। क्वारंटाइन फैसिलिटी का अभिप्राय ये है कि उनको बाकी समाज से अलग, बाकी लोगों से अलग कर दिया जाएगा ताकि वो और आगे ना फैले। तो जिन लोगों को कंफर्म हो जाएगा इन्फेक्शन उनको तो 100 बेडेड आइसोलेशन फैसिलिटी में, और जो संभावित होंगे, जो कंफर्म लोगों के आसपास रहे होंगे, उनको 1000 बेडेड क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखा जाएगा। इन दोनों चीजों के लिए एडीसी करनाल नोडल ऑफिसर हमने लगाया है उनकी ड्यूटी, और वो जहां जहां पे ये वार्ड्स सेटअप हुए हैं उन वहां वहां जाकर के और तैयारियां देखेंगे। साथ ही हमने ये इंश्योर किया है कि जितने भी वेंटिलेटर्स हैं हमारे सफिशियंट नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स हों और वो वर्किंग कंडीशन में हो, ताकि कोई सीरियस पेशेंट आता है कोविड डिजीज का तो उसको हम ट्रीट कर सकें। साथ ही SDM करनाल को नोडल ऑफिसर लगाया गया है इंस्पेक्शंस और चेकिंग के बारे में, जो जैसा आप लोगों को मालूम है कि सैनिटाइजर्स को, जो मेडिसिन हैं जो कोविड को ट्रीट करती हैं उनको, और जो मास्क हो उनको इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में शामिल कर लिया गया है। तो अब इन सारी चीजों की होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग एक इलीगल एक्टिविटी है, एक अपराध है। तो SDM करनाल को नोडल ऑफिसर लगा करके हम जगह जगह पे डिस्पेंसरीज पे, गोडाउन्स पे हम चेकिंग करेंगे, रेड्स इंस्पेक्शन होंगे, और कोई भी अगर ऐसी कोई सूचना मिली कि कोई मास्क की या सैनिटाइजर्स की या मेडिसिन की होर्डिंग कर रहा है, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, उसको जमा करके रख रहा है ताकि वो उचित दाम पर बेच सके, या MRP से ज्यादा रेट पे ये चीजें कहीं बेची जा रही है, तो वो भी एक अपराध है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में। तो ऐसी जगह पे छापा मार करके उन चीजों को सील किया जाएगा और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करके आगामी कार्रवाई एक्शन में लाई जाएगा। SDM इंद्री को हमने नोडल ऑफिसर लगाया है IEC एक्टिविटीज के लिए, तो इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए जितने भी कोरोना वायरस से बचने की डूज एंड डोंट्स हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो उनके होर्डिंग्स वगैरह बना करके करना की जितनी भी प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं, चाहे वो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है और बाकी जगह पे चौराहे हैं, वहां पे बैनर्स लगाए जाएंगे ताकि आम पब्लिक को, आम जनता को ये पता हो कि उन्हें प्रिकॉशन के पर्पस से क्या क्या कार्य करना चाहिए। हमने जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, कमर्शियल यूनिट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स हैं, चाहे वो
किसी भी क्षेत्र की हो, उनके साथ हमने एसडीएम घरौंडा की ड्यूटी लगाई है कि उनकी मीटिंग करके और ये इंश्योर करें कि जिन सभी एस्टेब्लिशमेंट में 200 से ज्यादा कर्मचारी हैं वो सभी यूनिट्स आगामी आदेशों तक या 31 मार्च तक बंद रहेगी। तो अगर मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है और मेरे 200 से ज्यादा लेबर है उसमें, तो या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसको बंद करूं या फिर मैं उनको शिफ्ट में चलाऊं ताकि एक शिफ्ट में 200 से ज्यादा लोग ना आए। तो ये हम आगे इंश्योर करेंगे, उसकी पूरी तरह से प्रशासन एनफोर्समेंट कराएगा। कोई भी अगर इसके इसी संदर्भ में धारा 144 भी आज शाम तक लगा दी जाएगी, अगर कोई भी इसकी वायलेशन करता हुआ नजर आया तो अकॉर्डिंगली उस पर आगामी कार्रवाई होगी। अब आपको सीधा ले चलते हैं करनाल के पुराने बस स्टैंड पर, आपको बताएंगे कि बस स्टैंड पर लोगों के क्या हालात हैं और बस स्टैंड पर साफ सफाई की स्थिति क्या है। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं करनाल के बस स्टैंड पे, यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं कि शायद कोरोना वायरस का डर यहाँ व्याप्त है कि नहीं है। जनाब आपका शुभ नाम? सुशील कुमार। सुशील जी, ये जो कोरोना वायरस का डर फैला हुआ है या कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसकी वजह से क्या ये जो जाने यात्री हैं उनकी संख्या पर प्रभाव पड़ा है? आने कम हुए हैं? कम हुए। कितने कम हुए होंगे? 70%। और आप लोगों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम है यहाँ पर? कोई सैनिटाइजर, कोई मास्क आप लोगों को नहीं बताया गया? कुछ नहीं दे रहा कोई भी। तो आप भी मतलब लोगों के बीच में चलते जा रहे हैं जबकि सरकार मजबूरी है हमारी। तो आपने प्रशासन को लिखा नहीं कि आपने देखा नहीं? अच्छा, प्रशासन को लिखा है आपने? सारे काम हो रहे हैं बाबूजी, सभी काम हो रहे हैं, प्रशासन को लिख रहे क्या? कोई मास्क मुस्क कुछ नहीं दे रहा कोई भी यहाँ। आपका कहना है कि 70% यात्री कम हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन आपका सफर जारी है? तो सफर वैसे के वैसे चलता रहेगा बाबूजी, हमारे को सरकार नहीं देखती है। तो देखिए, एक तरफ जहाँ प्रशासन कह रहा है कि हमारे दावे हैं, हमारे पास साधन मौजूद हैं, सब कुछ अवेलेबल है, वर्क एट होम की डिलीवरी भी प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने हमें बताया कि 70% यात्रियों की संख्या में कमी आ चुकी है बस स्टैंड के पीछे, ये देखिए एक और बस का नज़ारा आपको दिखाते हैं। एक और सज्जन से आपकी बात कराते हैं। जनाब आपका शुभ नाम? बलराम। बलराम जी, आप कौन से रूट पर चलते हैं? दिल्ली। दिल्ली दिल्ली। सर, जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है इसकी वजह से क्या यात्रियों की संख्या पे फर्क पड़ा है? हाँ, कम सी हो रही, थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, इतनी तो नहीं है, कम है। मेरी तो मर्जी में तो मेरी सुरक्षा कटाई दिखा है सुरक्षा। तो कभी बस की वॉशिंग हुई हो या सैनिटाइज किया? पर बस नहीं धोंदे, नाशा बलाना नहीं, कुछ नहीं हो रहा, ना कोई दवाई, ठीक है, ना कोई दवाई है भाई साहब, ना कुछ है। हाँ, मैं के कहूँ था भाई, फटक जाएंगे और कद नहीं कदी, और मैं के कहूँ था, मांग तो नहीं कहा भाई, सारी चीज दे जो मैं नाम ला लेंगे, बच जाएंगे थोड़ा बहुत और देख लेंगे दुनिया ना। ना किसी की सुरक्षा नहीं, यात्री की कड़ा सुरक्षा। बलराम है पूरी हूँ करनाल। देखिए जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है, इनकी तरफ से इनका कहना है कि सरकार की तरफ से तो हम मरे या जिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो बसों की वॉशिंग होती है, ना इनको सैनिटाइज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ना इनके पास मास्क हैं। आइए एक और सज्जन से आपकी बात कराते हैं। जनाब आपका शुभ नाम? सुमेर सिंह। कौन से रूट पर चलते हैं सर? शामली। सर, ये जो कोरोना वायरस है इसकी वजह से यात्रियों की संख्या पे फर्क पड़ा? फर्क पड़ रहा, कम हुआ है। कम से कम भी 30% कम हुआ। 30% कम हुआ, लेकिन आपने ना मास्क लगाया, ना आपकी बस में सैनिटाइजर, कभी बसों की वॉशिंग हुई है? नहीं, कभी बसों की वॉशिंग नहीं होती है। आपको सरकार ने कोई मास्क या सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया? कुछ नहीं दिया हमारे को। कोई डिमांड की आपने? ये परना रखते हैं सिर्फ, एक परने से काम चला रहे हैं। सरकार से आपने कोई डिमांड की? कोई डिमांड नहीं। कोई डिमांड तो करेंगे? करेंगे जी। फिर हमें इतना टाइम मिलता है ना कि हम डिमांड करें सरकार के पास, आए और चल दिए, आए और चल दिए, ऑफिस में जाने का टाइम नहीं मारे को मिलता, सरकार का फर्ज बनता है। सरकार मतलब अपना फर्ज पूरा नहीं करेगी। हाँ जी, देखिए सरकार कहीं ना कहीं दावे तो बेहतर कर रही है, लाख कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी चूक भी जरूर है, ठीक है, उनकी चूक भी जरूर है। लो सर, आपका शुभ नाम? प्रवीण कुमार जी। प्रवीण जी, कौन सी रूट पे चल रहे हैं? कैथल टू दिल्ली। सब ये दवाई छिड़के, मास्क तो अभी दिए नहीं कैथल डिपो में जी, अभी मंगवा रखे हैं जी, बाकी ये वो दवाई छिड़कते हैं, सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं जी।
हाँ जी देखिए कैथल डिपो की बसों की वॉशिंग भी होती है, सैनिटाइज भी किया जाता है, लेकिन करनाल के तीन बस चालकों से हम लोग बात कर चुके हैं, उन सबका यही कहना है कि ना तो मास्क उपलब्ध है, ना सैनिटाइजर उपलब्ध है, ना बसों की वॉशिंग हो रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ भी सकता है। आइए, ये बस स्टैंड पर कुछ यात्रीगण भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कोरोना वायरस को लेकर? कोरोना वायरस ये हवा बना रखी है, कुछ नहीं है। सावधानी पहले भी रखो, सफाई रखो, सब बढ़िया। हाँ, आप कहाँ से हैं? ये करनाल से हैं। सर, आपका सुनना भाई बलविंदर है। बलविंदर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार की तो जिम्मेवारी है, अपनी भी कोई जिम्मेवारी होती है आदमी की। अपने भी सफाई रखो, अपना परिवार की सफाई रखो, अपने हाथ साफ रखो। इसमें सरकार थोड़ा सारा काम करेगी, सरकार सारे काम सरकार करेगी। सरकार तो बहुत सहयोग दे रही है, बहुत लोगों को जागरूक कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है सरकार। सरकार मेहनत कर सकती है, सफाई रख दो हमारा काम है। हम सफाई रखेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे, जब सफाई नहीं रखेंगे तो बीमार तो होंगे ही। इसमें सरकार का कोई फॉल्ट नहीं है बिल्कुल भी, सरकार बहुत सफाई कर रही है। देखिए, हाँ जी, हाँ जी, अनिल है, अनिल कुमार हरिद्वार। हाँ जी, स्प्रे करेगा, स्प्रे करेगा, स्प्रे। हाँ, परसों वाला, परसों कुछ नहीं अभी। इन्होंने बताया कि बसों की सैनिटाइजेशन की जा चुकी, कर रहे हैं, परसों इनकी बस को सैनिटाइज किया था, लेकिन इनकी सेफ्टी के लिए कोई प्रावधान या कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। तो हम यहाँ पर ज़रूर प्रशासन को इस बारे से अवगत करवाना चाहेंगे कि वो कोशिश करे कि करनाल डिपो में जो भी खामियाँ पाई जा रही हैं या लोगों में जो भय व्याप्त है, इसको दूर करने का प्रयास करें। प्रशासन ने बोर्ड जरूर लगाए हैं, लोगों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं, लोगों को एडवाइजरी जारी की जा रही है, सलाह दी जा रही है, बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक भारी भी पड़ सकती है। मैं तरुण मदान, कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी के साथ समाचार एक्सप्रेस के लिए। आपने देख लिया कि बस स्टैंड पर मौजूद बस चालक और आम लोग क्या बोल रहे थे। कोरोना का डर कितना हावी हो रहा है और यह डर बिजनेस पर कितना असर डाल रहा है, इसे लेकर समाचार एक्सप्रेस की टीम ने कुछ व्यापारियों से बातचीत की और फिर सराफा बाजार के व्यापारियों से भी बिजनेस का असर पूछने के लिए यह बात की। देखिए यह एक रिपोर्ट। सर, आपका नाम क्या है? स्वामी। स्वामी जी, पूरा नाम क्या आपका? स्वामी अग्रवाल। स्वामी जी, क्या काम करते हैं आप? गोल्डन मूवमेंट पे काम करते हैं। स्वामी जी, किस चीज का काम करते हैं? किचन देखते हैं जी, कैटरिंग का काम है हमारा। अच्छा, कैटरिंग का काम है। तो आजकल जैसे कोरोना का वायरस का जैसे घबराहट एक किस्म से लोगों में फैल रही है, आप में भी कोई कोरोना को लेकर कोई घबराहट है? घबराहट की क्या आवश्यकता है, केवल जागरूक रहने की आवश्यकता है, सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को पालन करने की आवश्यकता है और सावधानी बरतें, भीड़ के स्थानों पर ना जाएं। आप क्या सावधानी बरत रहे हैं? हम अपने यहाँ पूरी साफ़ सफाई की व्यवस्था बनाए हुए हैं और लोगों को बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अब हाथ धोएं। हमने अपने वॉशरूम्स में सैनिटाइजर्स की अत्यधिक मात्रा में व्यवस्था करी हुई है ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। दूसरों से क्या अपील करेंगे स्वामी जी? सिर्फ यही कि जागरूक रहें और कुछ दिनों के लिए भीड़ वाले स्थानों पर ना जाएं, रैलियों में ना पार्टिसिपेट करें और जो सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं उनका पालन करते हुए लोगों से हाथ ना मिलाएं, भारतीय शैली को अपनाएं, नमस्कार करें। ठीक है, धन्यवाद। समय हम मौजूद हैं करनाल के सराफा बाजार में और हमारे साथ एक व्यापारी गण मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कोरोना वायरस की वजह से बाजार के अंदर कुछ गिरावट आई है या नहीं आई। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम रमेश बंसल है। बंसल जी, ये जो कोरोना वायरस है इसकी वजह से क्या बाजार में कुछ मंदी आई है? देखिए, बाजार में लोगों को दहशत तो है, बाजार में काम बिल्कुल नहीं है। हर आदमी जो है कोरोना के डर से छुपा बैठा है। सेकेंडली, जो मार्केट की जो उठा पटक हो रही है इससे भी कस्टमर का इफेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा। देखो, कोरोना का करनाल में नहीं, सारी दुनिया में इफेक्ट है, ना हिंदुस्तान में, सब दुनिया में लोग डरे तो हुए हैं कोरोना से। देखिए, बंसल जी का कहना है कि कोरोना के चक्कर में लोग अपने घरों में कैद हैं, लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं कहीं कि इस वजह से भी कहीं ना कहीं वो किसी संक्रमण का शिकार ना हो जाएं। उनका ये भी मानना है कि मंदी आई है, ज़रूर है, ग्राहकों के ना आना बंद कर दिया है। इसके अलावा से बंसल जी, क्या आप सामाजिक होने के नाते समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो ये है कि आप अपना टिश्यू हाथ में रखें, अपने सैनिटाइज़र से हाथों को साफ करके रखें, कोशिश ये करें जितना कम से कम हो घूमने के लिए निकलें, ज़रूरत हो तो सफ़र करें,
नहीं तो सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। अभी कोई ऐसा लंबा चौड़ा, जब ये ठीक हो जाएगा तो सारा कुछ हो जाएगा। अभी तो हम लोगों ने परसों सारे बाज़ार में टिश्यूज़ और सैनिटाइज़र हमने सब बाज़ार में अपने एसोसिएशन की तरफ से बांटे हैं, ताकि लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस भी रहे और थोड़ी सी प्रोटेक्शन भी रहे लोगों की। देखिए बंसल जी ने बड़ा अच्छा सराहनीय काम किया इन्होंने और इनके यूनियन ने कि पूरे बाज़ार के अंदर सैनिटाइज़र और मास्क अवेलेबल करवा दिए हैं, ताकि किसी भी तरह के संक्रमण से बचा जा सके। साथ ही साथ जो सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, वही दिशा निर्देश बंसल जी ने लोगों को समझने और बरतने की अपील भी की है। कोरोना के चक्कर में, कोरोना वायरस के कारण बाज़ार पे क्या असर पड़ा है? सर सबसे पहले आपका नाम? अभी श्रीराम गोयल। गोयल साहब, इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है? अभी तो कोई खास नहीं मिला जी। अरे, और जो कोरोना के चक्कर में आर्थिक रूप जो आर्थिक गिरावट आ रही है या जो उठापटक बाजार में चल रही है, उसका कोई इफेक्ट पड़ रहा है आपके बिजनेस में? पड़ रहा है जी। किस तरह? अब जैसे गोल्ड का रेट है वो डाउन जा रहा है, चांदी का रेट डाउन जा रहा है, उसके हिसाब से जो है ना रेट मिल नहीं रहे, माल नहीं मिल रहा है। देखिए इनका ये कहना है कि कोरोना के चक्कर में ग्राहक तो आ रहे हैं, कोरोना के चक्कर में ग्राहक नहीं रुक रहे, लेकिन कोरोना के कारण जो आर्थिक व्यवस्था के अंदर उठापटक चली है उससे जरूर फर्क पड़ा है। जो भाव बढ़ते और गिरते जा रहे हैं वो ना तो इनको चैन लेने दे रहे हैं ना ग्राहकों को। अच्छा, जिनका अपना ढाबा भी है, इनसे बात करते हैं कि कोरोना के चक्कर में इनके व्यवसाय पर क्या फर्क पड़ा है। सर आपका शुभ नाम? नरेंद्र। नरेंद्र जी, ये जो कोरोना वायरस फैल गया या जिसके बारे में कह रहे थे फैला जा रहा है या डे बाई डे इसके केसेस सामने आ रहे हैं, आपका खाने पिलाने का काम है, तो सर इससे आपके व्यवसाय के ऊपर कोई फर्क पड़ा? पर तो पड़ता ही है। कितना परसेंट ग्राहकी में कमी? 50% रह गया बस। आपके यहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन बनता है, तो सर लोग अब शाकाहारी ज्यादा बनने लग गए या मांसाहारी पे आ रहे हैं? शाकाहारी पे। तो मांसाहार को बंद करने की सोच रहे हैं? वजह आप क्या बताते हैं? वजह यही है, अब लागत है नहीं, कस्टमर खाता नहीं। देखिए इनका भी यही कहना है, इनका भी यही सोचना है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये बात जहन में है कि कोरोना जो है वो शायद किसी मांसाहार की वजह से फैल रहा है, तो इसी वजह से ग्राहकी भी कम हो चुकी है, 30-40% तक ग्राहक कम आ रहे हैं और जो भी आ रहे हैं वो शाकाहारी भोजन। ये बात अच्छी है कि शाकाहारी बनना चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, लेकिन मांसाहार को वजह बताकर कहीं ना कहीं पोल्ट्री उद्योग पर भी काफ़ी फर्क पड़ता नज़र आ रहा है। लीजिए जानने का प्रयास करते हैं, हमारे साथ एक व्यापारी हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कोरोना के चक्कर में इनके धंधे पर, इनके व्यवसाय पर कितना को असर पड़ा है, ग्राहकी में कमी आई है या नहीं आई। सर आपका नाम? मेरा नाम हितेश है। सर ये जो कोरोना वायरस है, आपने पढ़ा भी है सुना भी है, इससे क्या दुकानदारी पर फ़र्क पड़ा? हाँ जी, लोगों में आवाजाही कमी हो गई है, देखो आपके सामने ही है सड़क पे, खाली सुनसान नज़र आ रही है आज भी, वरना इस टाइम तो बहुत रश होता है, ये काम का पीक आवर्स हैं काम के, और देख लो आपके सामने ये सारा सुनसान पड़ा सड़क पे भी, दुकानें भी खाली हैं सारी ऑलमोस्ट। देखिए इनका कहना है कि कोरोना के चक्कर में जो पीक आवर्स में जो काम होना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा, आवाजाही कम है, ग्राहकी कम है। आप भी अलर्ट रहिए, आने वाले 15 से 20 दिनों तक यदि आप सावधानियां बरतेंगे तो निश्चित तौर पर आप कोरोना को मात भी दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हरियाणा सरकार लगातार कड़े फैसले लेकर लोगों की आवाजाही पर उनकी सुरक्षा के मद्देनजर रोक लगा रही है, लेकिन जो तस्वीरें हमने शुरू में आपको लघु सचिवालय और तहसील परिसर की दिखाई थी वो कहीं ना कहीं हमें और आपको विचलित भी कर रही है। अब प्रशासन से सवाल है कि क्या कोरोना से सावधान होने के लिए प्रशासन लघु सचिवालय के साथ साथ तहसील परिसर में लोगों की इतनी बड़ी हाजिरी को लेकर कोई बड़ा कदम उठाएगा, इस पर समाचार एक्सप्रेस की नजर रहेगी। हम आपको अब रोजाना कोरोना की स्थिति को लेकर लगातार अपडेट देंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी और हिदायतों का पालन करना कतई ना भूले, क्योंकि यह आपके हित की नहीं बल्कि देश के हित से भी जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।